मैंने बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया अल्टीमेटली कि मैं एम भी ड्रॉप कर रही हूँ उसका रीज़न ये था कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा आ गया था जिसको करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था दैट वॉज़ मैंने एक पर्सन को देखा जिसने मास्क डाला हुआ है कैप डाली हुई है और सिर्फ उसकी आंखें दिख रही हैं एंड सार्थक ने मुझे बोल दिया कि लेट्स कॉल इट ऑफ सोई नहीं मैं पूरा रात नहीं सोई मैं सुबह जब मॉम मेरे पास आई मैं मैंने उनसे शेयर किया कि ये चीज़ हुई है

अब न्यू दिल्ली के नाम से आपको इतना तो पता होगा कि मॉडर्न सिटी है मेट्रोपॉलिटन है बचपन से मेरी अपब्रिंगिंग शायद बहुत मॉडर्न रही होगी पर हर एस्पेक्ट में वैसा होता नहीं है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ हर एक पेरेंट का दिमाग थोड़ा सा दबा हुआ रहता है कि लड़कियों को शायद ज़्यादा देर रात तक बाहर नहीं जाना चाहिए ज़्यादा कुछ अलग तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए तो वो टाइप की मेन्टेलिटी मेरे पेरेंट्स में भी थी तो मेरी अपब्रिंगिंग भी थोड़ी सिक्योर एंड सेफ इस तरह की रही है मुझे उस टाइम पे गोल क्लियर नहीं था लाइफ में कि मैं बेसिकली करूँ क्या किस डायरेक्शन में जाऊँ मेरे पेरेंट्स भी मोस्टली कंफ्यूज थे बस मैं ब्राइट लड़की थी स्कूल में एंड uh, उसकी वजह से दे थॉट कि मुझे साइंस की तरफ इंक्लाइंड होना चाहिए साइंस में इंटरेस्ट भी था मेरा बट इंजीनियरिंग uh, में नहीं था जिन लोगों को लगता है साइंस इज़ रिलेटेड टू इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है <laughs> मेरे लिए तो एटलीस्ट नहीं था तो इंजीनियरिंग कंप्लीट की उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो इंजीनियरिंग में या उस फील्ड में जा के कुछ कर पाए बहुत अच्छा मुझे मज़ा नहीं आता था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कॉन्वर्जेसनलिस्ट अच्छी हूँ बोल पाती हूँ सबके सामने तो उस फील्ड में शायद कुछ करती हूँ तो मैंने जॉब भी थोड़ा क्लाइंट टाइप की फ़ील्ड में की बट उसके बाद एक साल के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि लाइफ में ग्रोथ चाहिए एस सी आई टी सिम्बाइसिस का इंस्टीट्यूट है वहाँ का एग्ज़ाम क्रैक किया मैंने वहाँ पे डेटा साइंसिस एंड डेटा अनालस में मुझे एडमिशन मिला एंड उसके बाद मैंने जब कोर्स जॉइन किया आई रियलाइज कि यार ये भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है इट इंटरेस्ट की वजह से मैं कर भी नहीं रही थी मैं ग्रोथ की वजह से कर रही थी कि uh, मुझे लाइफ में पैसे ज़्यादा आएंगे सारे बड़े शहर वालों की तरह आई वॉन्टेड टू ग्रो एंड आई वॉन्टेड टू अर्न मोर तो वो चीज़ भी मुझे लग नहीं रही थी कि मुझे अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट इतना नहीं है तो मैं वो चीज़ भी कैसे कर पाऊँगी सो so, मैंने बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया अल्टीमेटली कि मैं एम भी ड्रॉप कर रही हूँ और दैट वॉज लाइक अ बॉम्ब ड्रॉप ऑन माई पेरेंट्स कि वो इतने टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी बेटी कुछ बहुत अच्छा करेगी अब आगे एंड ये चीज़ मैंने तब पहली बार रियलाइज़ की कि सिर्फ लड़कों से नहीं लड़कियों से भी पेरेंट्स उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं एम ड्रॉप करने का जब डिसीजन लिया उसका सिर्फ ये रीज़न नहीं था कि मुझे एम करने में मज़ा नहीं आ रहा था उसका रीज़न ये था कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा आ गया था जिसको करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था दैट वॉज़ यूट्यूब यूट्यूब की मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब मुझे एम में ऑलरेडी अराउंड फाइव सिक्स मंथ्स आई वुड से कि मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था एंड मैंने और मेरे पार्टनर ने मिलकर एक चैनल शुरू किया कॉल्ड सोशियोशिप आप उसको सर्च कर सकते हैं मैंने अपने पार्टनर के साथ आई थिंक जब यूट्यूब शुरू किया था तो हम दोनों को मे बी सेवन एट मंथ्स हुए थे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था बट उसके बाद से हमारा रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंड हो गया हमारी लड़ाइयाँ एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा हुई शुरू में क्योंकि कुछ चीज़ों पे हम डिसग्री करते थे कि ये चीज़ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है या कुछ अच्छा नहीं है बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको रियलाइज़ होता है कि आपको इस इंसान के साथ काम करना है और इस इंसान के साथ लाइफ बतानी है आप दोनों में पेशेंस आ जाती है खुद ब खुद तो आप साथ साथ में एक दूसरे को समझने के साथ एक दूसरे के साथ काम करना भी सीख लेते हो एंड एमबीए जब छोड़ना था तब मेरे चैनल के वन लाख सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके थे मैं करियर देखती थी अपना यूट्यूब में देखती हूँ एक्चुअली तब मैंने देखना शुरू कर दिया था कि अगर मैं इसी फील्ड में जाऊँगी इसी फील्ड में ऐसे ही काम करती रहूँगी तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए मुझे आज तक बहुत मज़ा आता है आगे भी आएगा तो मैंने सबसे पहले ये बात अपने पार्टनर को ही बताई थी कि मैं बहुत डरी हुई हूँ आई एम वेरी स्कैड टू टेल माई पेरेंट्स पहले तो इंजीनियरिंग करके उस फील्ड में काम नहीं किया फिर एम करके बीच में ड्रॉप कर रही हूँ तो दे माइट बी वेरी डिसअपॉइंटेड सब पेरेंट्स होते हैं तो मैंने बहुत डिप्रेस थी एक्चुअली रो रही थी मैं अपने पार्टनर के पास गई एंड आई टोल्ड हिम कि सार्थक लिसन नहीं हो रहा एम नहीं हो रही एंड इट्स वेरी वेरी टफ फॉर मी कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं क्योंकि आई डोंट नो कैसे रिएक्ट करेंगे वो और uh, सार्थक ने मुझे बहुत बहुत अच्छे से सपोर्ट किया मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली ही वॉज़ देयर विद मी उसने कहा कि एम करनी है आई एम विद यू नहीं करनी आई एम विद यू किसी भी चीज़ में यू नीड माई हेल्प आई विल कन्विंस योर पेरेंट्स मैं उनसे बात कर लूंगा सब कुछ बहुत अच्छे से होगा सो दिस वॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट मेड आर रिलेशनशिप ग्रो इवन स्ट्रॉन्ग कि मतलब ऑब्वियसली आपको एक पार्टनर से क्या चाहिए होता है कि वो आपके साथ रहें हर चीज़ में रहें और वही चीज़ मेरे लिए सार्थक ने की दैट्स वेन आई रियलाइज कि यार मैंने तो ना लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन तो ये लिया हुआ है माई पार्टनर सार्थक सो so, उनसे मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी uh, मुझे डेट याद है एक्चुअली सिक्स मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो दिंक बॉस मेरे स्कूल से ही बिलोंग करते हैं वो एंड स्कूल में सेम स्कूल में होने के बावजूद हम कभी सेम क्लासरूम में नहीं बैठे थे इसलिए हमारी कभी बात हुई ही नहीं स्कूल में वी विदिन मीट इन पर्सन या कहीं बाहर गए हो साथ में कभी बात नहीं हुई सिर्फ फेसबुक पे होता था हमारे टाइम पे फेसबुक नया नया चला था तो सार्थक ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थोड़ी बहुत बात, बात वहाँ पे की आस्कआउ भी किया कि रुचिका लेट्स गो आउट मैकडी चलते हैं मूवी चलते हैं बट मैंने उस टाइम पे किसी को भी डेट नहीं करना चाहती थी इसलिए मना कर दिया एंड फास्ट फॉरवर्ड अराउंड सेवन ईयर्स मैं किसी फ्रेंड के साथ बाहर गई थी एंड घर के पास ही एक मॉल है वहाँ पर गई थी और वहाँ पर मैंने एक पर्सन को देखा कोविड का टाइम था मैंने एक पर्सन को देखा जिसने मास्क डाला हुआ है कैप डाली हुई है और सिर्फ उसकी आंखें दिख रही हैं एंड आई रिकोगग्नाइज दो आइज इमीडिएटली जैसे मैंने पता नहीं कितनी बार देखा उस इंसान को जबकि हार्डली तीन चार बार स्कूल में सात साल पहले देखा था तो मैंने सोचा कि यार इसको तो पहचानती हूँ मैं <laughs> फिर घर जाकर मैंने सोचा कि शायद वो वही इंसान है जिससे स्कूल में कभी बात की थी तो मैं एक बार टेक्स्ट कर देती हूँ वैसे रूढ़ लगता है बाहर देखा और हाई भी नहीं बोला तो जब तक मैंने टेक्स्ट करने का सोचा सार्थक का मुझे खुद ही आ गया था हाई मैसेज इंस्टाग्राम पे सो so, हमारा जो खुद का आज की डेट में यूट्यूब चैनल है उसका नाम भी सोशलशिप है विच इज़ सोशल मीडिया एंड रिलेशनशिप सो हमारा रिलेशनशिप भी सोशल मीडिया से शुरू हुआ है तो so, इंस्टाग्राम पे जब हमारी बात बात शुरू हुई उस टाइम पे कौन सोचता है शुरू शुरू आज में आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में वी जस्ट कीप चैटिंग कि हाँ इससे बात चल रही है फिर किसी और से बात चल रही है इतना कोई सोचता नहीं है कि एक से बात हो रही है उसके साथ फ्यूचर है आपका बट वी क्लिक वेरी फास्ट मतलब दो महीने में ही मैंने सार्थक के पेरेंट्स से मिल लिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि हाँ जिसके बारे में अभी ये बता रहा है वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है तो वो मुझसे मिलना चाहते थे एंड उस टाइम पर कोविड वाज एट एट स्पीक सेकेंड वेव चल रही थी दिल्ली में बहुत बुरा हो रहा था केमिस्ट्स पे दवाइयाँ नहीं मिल रही थी तो उसके बाद रिलेशनशिप थोड़ा सॉलिडिफाई हुआ क्योंकि किसी भी पार्टनर को ये नहीं चाहिए होता कि सिर्फ पार्टनर का ही ख्याल रखें फैमिली का अगर ख्याल रखते हैं फैमिली के टूवर्ड्स प्यार दिखाते हैं तो उससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है तो फिर उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड अराउंड वन वन एंड हाफ ईयर्स हम यूट्यूब में काफ़ी अच्छा करने लग गए थैंकफुली सार्थक और मैंने एक दूसरे का साथ दिया एंड देर सो मैनी लिटिल थिंग्स दैट ही डज फो मी मेरे लिए प्रेजेंस ला कर देना मेरे लिए डोर्स ओपन करना यू you नो know, जो छोटे छोटे शौक होते हैं लड़की के वो सारी शिवल चीज़ें करना सार्थक ने मेरे लिए की एंड आई एम वेरी ग्लैड क्योंकि और मैंने भी काफ़ी पेशेंस दिखाई कई बार लड़ाइयाँ होती थी तो मैं भी चुप हो जाती थी आगे से क्योंकि एक रिलेशनशिप में दोनों लोग एक साथ गुस्सा नहीं हो सकते इट वोट वर्क क्योंकि दोनों लोग एक साथ गुस्से में आ गए तो बस वहाँ पे उससे आगे वेयर विल यू गो आजकल तो कोई सोचता भी नहीं है ब्रेकअप करने से पहले चलो जी ये है तो नेक्स्ट पे चलते हैं बट इट वॉज लाइक दैट फॉर अस आप लोगों को भी पता रहे कि सब कुछ एकदम स्मूदली नहीं चलता है लाइफ में तो एक बार क्या हुआ था तीन महीने हुए थे बस सार्थक और मुझे साथ में और मैं सार्थक के लिए ऑलरेडी सीरियस थी ऑनेस्टली कि मतलब यही है और मुझे ये पर्सन पसंद आ चुका है अपने लिए बट सार्थक शायद उस टाइम पे उतना श्योर नहीं था विच इज़ ओके तीन महीने में हर कोई इतना श्योर नहीं हो सकता तो सार्थक वज केयर ड लिटल बिट कि यार कमिटमेंट इतनी जल्दी क्या मैं कर पाऊंगा एंड uh, सार्थक ने मुझे बोल दिया कि लेट्स कॉल इट ऑफ एंड कोई रीज़न था भी नहीं हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई थी पूरा दिन इनफैक्ट सार्थक ने मुझसे पूरा दिन बात ही नहीं की थी आउट ऑफ नो कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन तो मैं पूरा दिन उसको ट्राई कर रही थी रीच आउट करने का कि क्या हुआ क्या हुआ तो ही वॉज़ अवॉइडिंग कि रात को बात करते हैं अभी मैं बात नहीं करना चाहता मैंने कहा ठीक है इट्स ओके तो फिर रात को जब बात हुई एंड सही बताऊँ तो मेरी भी नेचर थोड़ी सी ना पीछे लगने वाली है आई कीप पोकिंग हिम कि कहाँ 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 मतलब लड़कियों की आदत कुछ लड़कियों की आदत होती है मेरी है <laughs> कि यार बताओ कहाँ पे हो कॉन्स्टेंटली ये नेचर अनॉइंग लगती है कुछ लोगों को कंट्रोल किया है मैंने करूँगी आगे और बट उस दिन भी मैंने पोक किया सार्थक को मैं स्पेस नहीं देती थी तब इतना आई एग्री तो रात को मैनी कॉल्ड मी अप कि हाँ अच्छा वो नाइसली बात नहीं कर रहा था आई नोटिस क्या हुआ है सडनली क्या वट वेंट ऑफ तो ही वॉज लाइक यार आई डोंट थिंक यू आर द राइट पर्सन फॉर मी लेट्स कॉल इट ऑफ सीधा आई वॉज लाइक हुआ क्या मतलब कुड यू टेल मी प्लीज मतलब समथिंग दैट आई कैन वर्क ऑन एकदम से क्या हुआ मैंने ट्राई किया अपनी साइड से कन्विंस करने का कि यार कुछ तो मतलब वर्कआउट करते हैं ना लेट्स नॉट जस्ट डू दिस गिव अप मत करो डोंट वरी विल वर्क इट आउट कुछ तो बट नहीं सार्थक बस फर्म एट दैट पॉइंट कि नहीं यार नहीं हो सकता एंड लेट्स कॉल इट ऑफ तो मैंने कहा ठीक है अब आप नहीं चाहते हो तो मैं भी क्या करूँगी फोर्स करके फिर तो खुशी नहीं रह सकता कोई भी तो हमने उस टाइम पे ब्रेकअप कर दिया रात को अराउंड चार बजे सोई नहीं मैं पूरा रात नहीं सोई मैं सुबह जब मॉम मेरे पास आई हाँ, मैं मैंने उनसे शेयर किया कि ये चीज़ हुई है आई वॉज़ क्राइंग मैं अपनी फ्रेंड दिशा के घर चली गई उसी दिन मैंने उसको कॉल किया मैंने कहा यार प्लीज़ आई वॉन्ट टू सी यू आई नीड यू राइट नाउ उसके घर गई मैंने सब कुछ निकाल दिया वी हैड वी हैड सम चिकन एंड स्नैक्स वगैरह बिठा लिए अच्छे से रात को अगेन मैं नहीं सोई दूसरी रात भी हम दोनों बात करते रहे एंड उसने भी यही कहा कि कोई बात नहीं इट्स नो बडीज़ फॉल्ट तू बस मूव ऑन कर जा लाइफ से क्योंकि दिस पर्सन प्रॉब्लि वॉज नॉट द वन फॉर यू उसने देखो छोड़ दिया अब ठीक है और उसका माइंड भी अलग चल रहा होगा उस टाइम पे मूव ऑन तू अब किसी और को देखियो बट आई couldn't मूव ऑन ऑब्वियसली उस टाइम पे तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग मैं दिशा के घर से निकली मैं अपने घर आई एंड मम्मा ने कहा हाउ डू यू फील नाउ मैं बेटर थी थोड़ी बट ऑब्वियसली मैं सो ही नहीं हूँ मेरे दिमाग में वही सब चल रहा है तो आई वॉज इन बेटर अंदर से मैंने मम्मा को बोलने के लिए बोल दिया सो so, फिर उसके बाद आए जस्ट वो सिटिंग देर कि यार अब मैं क्या करूँ मतलब शुड आई रियली मूव ऑन मतलब क्या बट सार्थक का मुझे टेक्स्ट आया इंस्टाग्राम पे कि हाय, आई मिस यू ओ एंड मैं यार मैं बहुत जल्दी पिघलने वाली इंसान हूँ और मैं पिघल गई कि ओके फाइन लेट्स टॉक वी टॉक दट आउट एंड ही टोल्ड मी कि इनसिक्योरिटीज थी उसकी कुछ एंड नाउ दैट ही वॉज अवे फ्रॉम मी कुछ एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था ही रियलाइज कि यार मेरे बिना अब लाइफ मुश्किल है इस लड़ाई के बाद हमने एक दूसरे से बात की सब कुछ सॉल्व किया एंड इतने अच्छे से सॉल्व किया कि आज की डेट में ही इज़ द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी एंड वो आज मेरे साथ भी है सो कुड यू जॉइन मी फॉर वन मिनट सो ही इज़ द पिलर ही इज़ माई मैन एंड मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम है यार ये इंसान मतलब आई कूडेंट इमेजिन माई लाइफ विदाउट दिस पर्सन क्योंकि इतना सपोर्टिव और इतना केयरिंग पर्सन नहीं मिल सकता था मुझे सो so, थैंक यू फॉर बींग आज भी ना ही वॉज सो प्राउड ऑफ मी अभी जब हम कैब में भी थे ना वो अराइविंग आई एम प्राउड ऑफ यू एंड देट मीन मी रियलाइज कितना कूल होता है एक पार्टनर होनावमेंट्स तो थैंक्स अगेन आई लव सो एवरी वन मैंने जो भी आपको आज बताया इट वॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ माई लाइफ लाइफ में और बहुत से अप्स एंड डाउनस रहते हैं बट मैं जिस चीज़ के बारे में बहुत खुश हूँ आज कि मैं अपना खुद का चैनल संभाल रही हूँ कॉल्ड सोशोरशिप एंड उससे मैं बहुत खुश हूँ इट्स माय वर्क इट्स माय लाइफ मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है मुझे करेक्ट पार्टनर मिला है लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है सो चूज़ द राइट पार्टनर फॉर योरसेल्फ वाइजली क्योंकि उस पर्सन के बिहाफ में ना उस पर्सन के सपोर्ट की वजह से आप लाइफ में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो और वही चीज़ मेरे साथ हुई है सो दिस वॉज़ माई स्टोरी आई होप यू लाइक इट एंड आपको कुछ सीखने को मिला हो इससे थैंक यू सो मच